जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भाव सर। तो ये देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जर्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। कैमरे में ख़राब नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसको हम वॉश करेंगे, बट इससे पहले इसको सोकिंग करेंगे। पूरी डिटेल प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा गंदा है दोस्तों ये। तो दोस्तों हमें जर्किंग सोकिंग करना है, ओके। तो इसमें हम सोडा ऐश डालेंगे, बहुत ही ज्यादा गंदा है दोस्तों। अमोनिया लिक्विड भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, बट बहुत ज्यादा गंदा है तो मुझे सोडा ऐश यूज करना पड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा डर्टी स्मेल भी आ रहा है दोस्तों इसका। तो इसमें हम यूज करेंगे IFB लिक्विड, जो भी उलन वगैरह अगर आपको वॉश करना है ना, तो IFB लिक्विड बेस्ट है दोस्तों। ये आप ट्राई कीजिए और ऑनलाइन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑनलाइन बाय लिंक है। और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, ये जो घोल जो मैंने बनाया है ना, ये है ना, इसमें चिकनाहट आनी चाहिए दोस्तों, तब जाके आपके कपड़ों में से मैल निकलेगा। और ये बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये पैराशूट का जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा है बाहर से, और अंदर से इस तरह का कपड़ा है दोस्तों। तो इसको सोकिंग करेंगे। और हाँ, मैं इसको वॉश कैसे करने वाला हूं ना, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। और बीच बीच में मुझे है ना इसको ऐसा पलट देना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि इसमें है ना हवा भर जाती है दोस्तों। बाहर से पैराशूट फैब्रिक है और अंदर उलन कॉटन ऐसा सब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रोसेस में चाहिए हमें एक ब्रश, सॉफ्ट वाला, ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड ब्रश भी है बट इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। और ये सोप, ये सोप ऐसा होना चाहिए कि जिसके है ना कपड़ों के ऊपर स्टेन नहीं आए। तो इस तरह का सोप अगर आपको लेना होगा ये, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है कामेश भंडारी जी का, आप उनसे ये सोप मंगवा सकते हैं, वो आपको ट्रांसपोर्ट या कुरियर कर देंगे। काफी अच्छा है और इसके स्टेन नहीं होते हैं दोस्तों, व्हाइट व्हाइट स्टेन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो काफी गंदा था ये। लास्ट में कंफर्ट है और ये नॉर्मल पानी है। तो ये जैकेट मैंने मशीन में डाल दिया है। अगर आपके पास डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन होगा तो आप उसमें स्पिन कर सकते हो, और नहीं होगा तो डायरेक्ट सुखाने के लिए डाल सकते हो। बट इसमें बहुत ज़्यादा मोटा है ये, सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मशीन होना चाहिए आपके पास। मेरे पास ये है,
दो मिनट के लिए स्पिन करूंगा दोस्तों, 100% पानी निकल जाएगा, बने रहिए। तो दोस्तों ये देख लीजिए, पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा था, ये एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया है। और इसके ना 300 रुपए चार्ज किए दोस्तों, बट 250 तो दे ही देगा कस्टमर। देख लीजिए तो उसके मुंह से बोला था, देखो पूरा साफ है। तो दोस्तों 100% क्लीन हो गया है, जितना कैमरे पे दिखता है ना उससे बहुत ज्यादा खराब था दोस्तों ये, अभी ये क्लीन हो गया है 100%। तो बस दोस्तों घर पे इसको वॉश करने कर सकते हैं, इसी तरह की मैंने वीडियो बनाई है। और आपको देखना है कि हाउ टू ड्राई क्लीनिंग एट होम, हाउ टू वॉश एट होम, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।